हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनजे स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी का पेपर आने वाला है, तो जो इसका मैथ सॉल्यूशन है एनईआरओ का, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बिना देर किए सीधा आपको सवाल पे ले चलता हूँ। फर्स्ट सवाल है, 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। पहला सवाल है 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर को सबसे पहले अगर मीटर में बदलते हैं, देखो 10 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो, मीटर को फिर जो मीटर आएंगे उनको फिर सेंटीमीटर में बदलो, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, कितने 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। और हमें क्या करना है, किलोमीटर को किस में बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो देखिए, 3 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, ठीक है। देखो 10 की 1 जीरो, एक तो इसी की है, ठीक है, 3 जीरो इसकी है 1000 की, 1 2 3, ये किस में बदल गया, ये बन गया मीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2 जीरो और बढ़ेंगे, ठीक है, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 जीरो और बढ़ाई, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 की घात 7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। तो आपका आंसर जो है इसमें कितना है, 10 की घात 7 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो, ठीक है। श्रेणी का क्या करना है, नेक्स्ट पद ज्ञात करना है। तो देखिए 8 है 64 है 27 है 64 है 125 है 216 है 343 है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब बराबर 8, 3 का क्यूब बराबर 27, ठीक है, 4 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 4 × 4 × 4 = कितना, 64, ठीक है। 5 का क्यूब यानी कि 5 × 5 × 5 = 125, यानी 125, ठीक है। और 216 का भी, 216 किसका है, 6 का, और ये किसका है, 7 का है, ठीक है। नेक्स्ट किसका ज्ञात करना है, मैं 8 का, तो 8 गुणा गए 8, ठीक है, ये हो गए 8 8 64 × 8, ठीक है, 64 × 8 8 × 32, ठीक है, और 8 × 6 = 48, और 3 कैरी थी तो इसमें 3 आसत जुड़ी, तो 512, ठीक है। इसका जो है सी वाला आंसर 512 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स को, यहाँ पे एक्स है, एक्स को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं, तथा एक्स को 4 से गुणा करते हैं और 11 मिला देते हैं, तो दोनों नई संख्या बराबर आती हैं, वह क्या होंगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि x को 6 से गुणा करते हैं, किसको, x को करते हैं किससे, 6 से गुणा, तो x को 6 से गुणा करेंगे तो 6x, ठीक है, प्लस सॉरी 9 घटा देते तो -9, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या करना है, x को 4 से गुणा करते हैं यानी कि 4x, ठीक है, और 11 मिला देते हैं यानी कि प्लस 11 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों संख्या क्या आती हैं, बराबर होती हैं, तो 6x में से 4x घटाओ तो 2x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 11, और ये 9 किस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 11, 9 कितने हो गए 20, x बराबर 20/2, 20/2 का मतलब 10। इस प्रकार से आपका राइट आंसर सी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये है, तो 4/6, ये कितना है, 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो 2/5 क्विंटल कितने के हैं, 180 के, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 क्विंटल का निकालो, 1 क्विंटल बराबर हो जाएगा 180 × 5 × 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने 180 में 2/5 की भाग देनी है, 180 में 2/5 की भाग देनी है, ठीक है। इसके 180 के बटे कुछ नहीं, तो 1 ये उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 2/2 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा कितनी बार, 90 बार, 2 × 18 = 0, ठीक है, 9×5 = 45, 9×5 कितना हो गया, 45, यानी कि 1 क्विंटल चावल का मूल्य कितना आया,
450, ठीक है, एक जीरो है, ठीक है, 450 एक क्विंटल का मूल्य आया। अब हमें कितना करना है, 4/6 का, तो ये हो जाएगा 450 गुणा गए 4/6, ठीक है, 6 से इसको काट दो, 6 × 7 = 42 और कितना बचा 3, 0 × 6 = 30, ठीक है, यानी 75 × 4 कितना होता है 300। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 300, जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 6, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है, ठीक है, प्रत्येक दशा में क्या बचता है, 3 शेषफल बचता है। तो इसमें क्या करना है आपको, नॉर्मली इसमें भाग दे देना आप, ठीक है, जैसे 9 का भाग देना 723 में, अगर 3 शेषफल बचता है तभी 6 की देना और 12 की तब भी देना, ठीक है, अगर अगर नहीं बचता है तो इसको छोड़ के दूसरे पर ट्राई करो, 9 की भाग 717 में, फिर उसी प्रकार अगर आता है तो ठीक, नहीं है तो आगे बढ़ाओ इसको, फिर नहीं तो 726 में, ठीक है। तो अगर आप इसको करके देखना चाहते हो तो देखो, जैसे 9 का भाग इसमें दिया 9×8 = 72, 3 से इस पल बचा, ठीक है, 6 का दिया 6×9 = 54, यानी कि 6×12 = 72 और 3 बचा, फिर 12 का भी चला जाएगा, 16×16 = 32, 16×3 = 48, 16×6 = 64, 16×64 16×32 = 48, 16×64, 16×6 कितना हुआ है 64, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है यहाँ पे 8, 83 नहीं जा रहा भाग, तो सॉरी जा रहा भाग, इसमें भी 3 बच रहा है, ठीक है, 30 का भी देने पर कितना बच रहा है इसमें, 30 का देने पर अगर 30 का भाग देते हो तो इसमें 30×2 = 60 होता है और 23 बच रहा है इसमें, तो इसका नहीं जाएगा। तो इस प्रकार आप भाग करके देख लेना, भाग बहुत ही जी दोस्तों, भाग करके देख लेना। नेक्स्ट क्या है, 5, 25, 6, 36, 7, ये तो सीधा है कि 5 का वर्ग कितना 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैंने पिछला क्वेश्चन छोड़ा वो आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, 7, 12, 18, 23, ठीक है, ये है 3, ये 7, ये 12, ये 18 और डॉट 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 आपका लास्ट है 23, ठीक है। तो इसमें देखिए डिफरेंट, 4 इसमें, 5 इसमें, 6 नेक्स्ट कितना होना चाहिए, 7 का डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि 18 + 7 18, 7 कितने हो गए, 18, 7 हो गए आपके 25। तो इसका राइट आंसर है 25। अब देखो अगर यहाँ बीच में 25 आता है तो पैटर्न किस हिसाब से बनता है, देखो अब देखो ये बन गया ना, यहाँ बीच में 25 आता है, क्या आता है 25 आता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 3, 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 68 0 621 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सके, ठीक है। तो इसका जो है आपको 625 जो है लास्ट में पूर्ण वर्ग होता है, तो यानी कि इसको 625 बनाने के लिए कितना कम है, 4। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यह है 2 + 2 × 2 = क्या, ठीक है, 2 + 2 × 2, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो, पहले सबसे पहले हमेशा गुणा होती है, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है, वो होती है, इसको बोलते हैं भागोजोग, क्या बोलते हैं भागोजोग, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, भाग करना होती है, गुणा करनी होती है, फिर जोड़ करना होता है, फिर घटा करना होता है, अगर सारे एक साथ आ गए, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले देखिए, अगर कुछ नहीं है जिस हिसाब से, पहले गुणा तो फिर जोड़, ठीक है। तो पहले गुणा की हमने 2 × 2 कितना हो गया 4, और ये प्लस 2 है, 4×2 कितना हो गया 6। कई बार क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि 2 और 2 जोड़ के और गुणा 2 कर दी, तो उस हिसाब से उसका 8 आ जाएगा, नहीं वो गलत है, 6 आंसर है इसका। कैसे, सबसे पहले गुणा किए और फिर 2 जोड़ा। नेक्स्ट क्या है, 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जो 13 से विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो करने के लिए बहुत मेथड है इसको, लेकिन क्या करना है आपको, सीधा कुछ बिना किसी फॉर्मूले के 200 में जो है 13 की भाग दे दो, ठीक है, और 300 में भी 13 की भाग दे दो, ठीक है। 200 में भाग दोगे तुम तो 200 में भाग जाएगा 13 ही कम 13 बचा,
सात जीरो, ठीक है, तेरह कम तेरह, तेरह छब्बीस, तेरह तीन उनचालीस, तेरह चौको बावन, तेरह पंजे पैंसठ, तेरह पंजे पैंसठ कितना बचा है पाँच, यानी ये भागे पंद्रह बार मान के चलो इसको, ठीक है तेरह, अब इसको भाग देते हैं, तेरह दूनी कितना हुआ, तेरह दूनी छब्बीस, कितना बचा है चार, चालीस ना, तेरह कम तेरह, तेरह छब्बीस, तेरह तीन उनचालीस, तेरह तीन उनचालीस कितना बचा एक, तो देखिए ये पंद्रह है और ये तेईस है, तो पंद्रह और तेईस के बीच में कितनी संख्याएँ आठ आ रही हैं, आठ, पंद्रह और तेईस के बीच में कितने, पंद्रह तेईस में से पंद्रह घटाओ, पंद्रह में से तेईस में से पंद्रह घटे तो कितना होगा आठ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंद्रह जीरो पंद्रह की अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे, ये है पंद्रह जीरो पंद्रह, ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं ये पंद्रह जीरो पंद्रह, ठीक है इसकी करो, सबसे पहले देखो इसमें लास्ट, पहले देखो दो की तो जाएगी नहीं, तीन की देखो, तीन की कैसे करते हैं विभाजिता की जांच, पाँच एक छः एक सात और पाँच, इसके अंकों को जोड़ो, सात पाँच कितना हुआ बारह, यानी कि तीन का भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तीन पंजे पंद्रह, ठीक है तीन पंजा हो गए पंद्रह, कितना यहाँ जीरो और फिर एक में भागे नहीं, फिर जीरो और तीन तीन पंजे पंद्रह, ठीक है फिर देखो किस में पाँच पाँच दस, तो इसकी में तीन की नहीं जाएगी, अब किसकी जाएगी पाँच की, ठीक है पाँच एकम पाँच, देखो ये हो गया, ठीक है अब इसमें देखो एक की तीन की भी नहीं जाएगी, दो की भी नहीं जाएगी, तीन की भी नहीं जाएगी, पाँच की नहीं जाएगी, ठीक है सात की ट्राई करते हैं हम, तो सात एकम देखो सात एकम ये है ना दस जीरो, सात एकम सात कितना बचा तीन तारी जीरो की, सात दूना चौदह साती हैं सात इक्कीस सात चौको अट्ठाईस, सात चौको अट्ठाईस कितना बचा दो एक, ठीक है तो पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, किसकी जा रही है अब सात की जा रही है, ठीक है तो सात एकम सात कितना बचा था यहाँ तीन, यहाँ जीरो उतरी तीस, सात चौको अट्ठाईस, सात चौके कितने हो गए अट्ठाईस हो गए, और अब हमारे पास दो बचा है यहाँ एक बचा यानी इक्कीस, सात ही है इक्कीस, ठीक है फिर कितना हुआ एक सौ तैंतालीस, एक सौ तैंतालीस में किसका भाग जाएगा ग्यारह का, किसका जाएगा ग्यारह का, ग्यारह कैसे जाएगा ग्यारह एकम ग्यारह कितना बचा तीन और यहाँ कितना तीन, ठीक है यानी कि तेरह हो गया ये, तो सॉरी तैंतीस हो गए, ये तीन यहाँ से बचा तीन यहाँ से आया तो ये हो गया ग्यारह तीन है तैंतीस, लास्ट में आया तेरह, तेरह में तेरह की भाग जाएगी, ठीक है तो इस प्रकार इसके हो गए थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन, यानी कि कौन सा वाला इसका थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन, तो ये वाला आपका सही हो गया, ठीक है नेक्स्ट क्या है टेन इंटू फिफ्टीन इंटू सेवन इंटू जीरो, ठीक है तो लेकिन लास्ट में जीरो है तो इसका मान जीरो हो गया, ठीक है कोई भी संख्याएं हो अगर लास्ट में जीरो आता है अग्नि जो गुणा में चाहे कुछ वो जैसे ये है इसकी गुणा में जीरो आ गए तो उसका मान हमेशा जीरो होता है, ठीक है किसी भी संख्याओं का गुणा अगर जीरो के साथ करते हैं तो उसका मान जीरो हो जाता है। ये क्या है ज्ञात संख्या ज्ञात करो जिसको पंद्रह से गुणा करने पर एक सौ छियानवे अधिक हो जाती है, ठीक है तो क्या है वह संख्या ज्ञात करो जिसको पंद्रह से गुणा करने पर वह संख्या थी यहाँ पता वहाँ संख्या ज्ञात करो जिसको पंद्रह से गुणा करने पर एक सौ छियानवे अधिक हो जाता है, ठीक है तो देखो सबसे पहले इसको हम पंद्रह से गुणा करते हैं तो ये हो गए बीस इंटू पंद्रह, ये बीस गुणा गए पंद्रह, बीस गुणा पंद्रह कितना हो गए पंद्रह दून तीन तीन सौ, ठीक है तो ये इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा दो सौ अस्सी, तो कितना होना चाहिए अंतर एक सौ छियानवे होना चाहिए, तो ये वाला पहला वाला हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है दूसरा देखिए चौदह, चौदह के साथ भी बीस की गुणा करो, ठीक है चौदह दूनी अट्ठाईस यानी दो सौ अस्सी, और दो सौ अस्सी में से कितना घटाते हैं हम चौदह घटाते हैं, दो सौ अस्सी में से चौदह घटाते हैं तो एक सौ छियानवे नहीं आ रहा है, फिर हमने देखा है फिर हमने देखा क्या इसमें से है चौदह गुणांगे बीस बराबर दो सौ अस्सी, चौदह दूनी अट्ठाईस इसमें से कितना घटाया हमें चौदह घटाना है, चौदह अट्ठाईस नहीं हो रहा, ठीक है छब्बीस, छब्बीस में से छब्बीस में कंडीशन देखो ये हो जाएगा छब्बीस इंटू बीस, ठीक है दोस्तों तो इसका राइट आंसर सॉरी फ्रेंड्स इसमें जो है पंद्रह की गुणा करनी थी बीस की नहीं करनी थी, पंद्रह की करनी थी, दिया है पंद्रह से गुणा करने पर, ठीक है तो हमें क्या करना है ठीक है क्या करना है देखो ये है वह संख्या ज्ञात करो जिसको पंद्रह से गुणा करने पर पंद्रह से गुणा करने पर एक सौ छियानवे अधिक हो जाते, तो इसमें पंद्रह की गुणा करो इसमें भी पंद्रह की गुणा करो इसमें भी पंद्रह की गुणा करो इसमें भी पंद्रह की गुणा करो, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पंद्रह दूनी तीस यानी तीन सौ, ठीक है ये कितना हो जाएगा चौदह गुणा पंद्रह यानी चौदह गुणा गए पंद्रह, ठीक है पंद्रह चौको साठ पंद्रह एकम पंद्रह और
ये हो जाएगा, ठीक है 210 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 210, ठीक है 210 में से अगर 14 घटाते हैं, 210 में से कितना घटाते हैं 14 घटाते हैं, तो 210 में से 14 घटाने पर कितना हो जाता है 196 जाता है, ठीक है कितना घटा के कितना आ रहा है 196, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी, देखो तो हर समान है सब, सॉरी अंश, हाँ हर समान है, हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी होती है, तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, तो माइनस पाँच जो है सबसे छोटा है इसमें, माइनस पाँच अपॉन सेवन, तो माइनस पाँच अपॉन जो सेवन जो है इसमें सबसे छोटा है। तो दोस्तों अगर आपके पास NER बुक है NMM वाली, तो उसमें क्या है कि लास्ट में तीन दो सवाल हो रहे हैं भिन्न से, उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना उनके आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे हम कल चलेंगे दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना एनजे स्टडी पॉइंट को, ठीक है दोस्तों एनजे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू दोस्तों।